क्राइम ब्रांच ने शातिर असलाह तस्करों के गैंग पर शिकंजा कसा। क्राइम ब्रांच ने सरगना मनीष तिवारी को उसके गुर्गे समेत गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाशों के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस और चोरी की एक बाइक मिली है। दिलचस्प बात यह है कि गुलरिया थाना के भरवल इलाके के पास से गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ और CO क्राइम ने बताया कि दरअसल चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच ने दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया था। पुलिस को इनके पास से अवैध असलाह भी मिला था। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। SP नॉर्थ ने के मुताबिक शातिर असलाह गैंग मुंगेर और देसी निर्मित असलाहों को जिले के अलग अलग इलाकों में मुंह मांगे दामों पर असलाह सप्लाई किया करते थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CO क्राइम प्रवीण सिंह व SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, फोटोग्राफ लेने पहले फिर बाइक जाओ फोटोग्राफ कर लेना तो बहुत अच्छा लगेगा। मेन चीज़ यही है कि इनकी जो संगत है वो अभी एक जैसे जो भी जिले में नए नए गैंग बन रहे हैं या इस तरह के लड़के जो इस तरह के अपराध ये कुछ मतलब कबूल नहीं कर रहे हैं, अभी ये कुछ मतलब कन्फेस नहीं कर रहे हैं। उनके पास से बरामद भी बाद में नहीं करते, अपने से भी घटना कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई मतलब पेंडिंग इस प्रकार की लूट नहीं है जहाँ पे मतलब इन लोग का नाम आया हो। जो भी लूटे अभी तक आपके सामने मतलब टिब्बीगंज की खुली है वो सब वर्कआउट बिल्कुल। इनके मतलब एक दो साथी और हैं जो असलाह देते हैं, असलाह लेते हैं, असलाह इनको बेचना उनको बेचना, आपस में चेंज करना है ना। ये आप इनको आप देखिए मतलब कैरियर और सप्लायर बड़ा अंतर नहीं होता, आप मेरी बात समझें। जैसे ये टिब्बीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले दो युवक हैं, इनके बारे में क्राइम ब्रांच में इनपुट था कि ये जो है हथियारों के अवैध खरीद फरोख्त में लिप्त हैं और भी अपराध हैं इनके पास। इस पर जो क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा आज जो है इनकी गिरफ्तारी की गई है टिब्बीगंज थाना क्षेत्र में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इनके पास से बहुत उन्नत किस्म का सल्ले बरामद हुए हैं, साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो इनके द्वारा MP नगर थाना क्षेत्र से चोरी की गई है और मुकदमा पंजीकृत है। इनका जो नेक्सस है और जैसे हथियार बरामद हुए हैं उससे लगता है कि इनका अच्छा खासा जो है अन्य गैंगों से संपर्क है और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नहीं, पहले असलाह तस्करी की अभी बात नहीं आई है, इनपुट था हम लोगों का कि लोग लिप्त हैं तो चोरी की मोटरसाइकिल और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे किस्म के हथियारों के साथ एक रिवॉल्वर और पिस्टल के साथ ही पकड़े गए हैं।